Monkey. छुट्टी और ये खड़ी है सामने करोला हमारी, और अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये बॉय निकल गया है, फुल नींद में सुती उठी हैं, बाल खिल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है सलमान और मैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में रहता हूँ। और इसी वजह से जो मेरे चैनल का, अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार नाम जो है वो किस बेस के ऊपर रखा गया है, तो वो ट्विन सिटी बॉय जो है वो इस बेस के ऊपर रखा गया है कि इस्लामाबाद और पिंडी का जो उनसा जो मेन यानी जो सेंटर है ना, ठीक है, वहाँ पे बनता है मेरा घर, ठीक है। और इस वजह से जिसे कहते हैं उसको हम कहते हैं द ट्विन सिटीज़। अच्छा, इसी वजह से हम इस्लामाबाद और पिंडी को भी कुछ लोग जो है वो बताते, मैं खुद यही कहता हूँ कि द ट्विन सिटीज़, ये जो है ये ट्विन सिटीज़। तो मैं, ये मेरा एक चैनल है, ठीक है, और मैंने यूट्यूब स्टार्ट करनी थी आज से कोई साल डेढ़ साल पहले, लेकिन कुछ वजह की वजह से जिसे कहते हैं ना, मैं ये वीडियो वगैरह स्टार्ट नहीं की। और अब ये है कि अब मैंने यार ये चीज़ सोची है कि व्यूज़ आएँ या ना आए, ठीक है, कोई देखे या ना देखे, एक साल जो है ना वो मैंने एटलीस्ट जो है वो यूट्यूब को देना ही देना। उसके बाद जिसे कहते हैं ना, मैं फैसला करूँगा कि यार मतलब मैं आगे जो है इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। लेकिन अभी तो इंशाल्लाह जो है वो व्लॉग से व्लॉग बनाने हैं और बनाने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखें तो इसके ऊपर डेढ़ों डेढ़ मिट्टी जमी हुई है, और ऐसे लगता है कि सालों से जिसे कहते हैं ना ये रेगिस्तान के अंदर छील कर रही थी। अंदर के हालात आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहीं पे ये सोता है, यहीं पे ये खाता है, और यहीं पे ये, आप समझ तो गए होंगे। समझ रहे हो? बनैन चेक करें आप इसके पीछे। सभी का सीन ये है यार कि आए हैं जूस शूस पीने के लिए, तो गर्मी क्योंकि बाबा जी वाह ही यार, ठीक है, अभी भी छाव में खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना आसरा हो रहा है, वरना तो ऐसी गर्मी है कि आप समझें कि यार मतलब कैसी वाली गर्मी। गाड़ी की सूरत हाल पे हैं तो गाड़ी का ये सीन है कि इसका जो है ना आज हमने फेस जो है ना, ये जो बम्पर वगैरह ना, ये हमने चेंज करने हैं और इंशाल्लाह फिर नई लुक चेक करते हैं गाड़ी। जैसे यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे वर्कशॉप की तरफ, तो फिर आपको जाके रस्ते में मिलते हैं बल्कि वर्कशॉप के। तो मौसम की सूरत हाल पे आए तो भाई मौसम जो है ना वो फुल गर्म हुआ है इस वक्त, और बहुत हैवी किस्म का पसीना मुझे जो है ना वो इस वक्त आ रहा है। बाकी ट्रैफिक की सूरत हाल पे आए तो भाई फुल हैवी किस्म की जो है ना ट्रैफिक आज हमारे अंदर फंस गई है। मंडी भी लग चुकी है जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, फुल हैवी किस्म की भाई इधर मंडी लगी हुई है, ठीक है, और फुल रोड जो है ना उन्होंने ब्लॉक किया हुआ। अब इन चीज़ों की वजह से जिसे कहते हैं ना, मैं ये चीज़ कहता होता हूँ कि भाई आपने अपना करना है काम, आप अच्छी बात है यार, आप लोग आए हो इतनी दूर से, आप लोग मतलब पूरे साल जो है ये लोग इन चीज़ों को, जानवरों को पालते हैं, लेकिन एक जगह होती है, एक वक्त होता है, एक मौका होता है। अभी यह सीन ये है गाइस कि हम निकल चुके हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह होपफुली अभी हम पहुँचेंगे वर्कशॉप, और फिर जो है वर्कशॉप पे जाके हमने आज इसका जो है वो फेस जो है वो चेंज करना है, क्योंकि पुराना वाला जो है वो अब काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जो है हम चाह रहे हैं यार थोड़ी सी जो है ना गाड़ी में चेंज आ जाए। तो अभी हम जा रहे हैं वर्कशॉप, ये बम्पर मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये जाते हैं अभी जाके जो है ये फिट करवाते हैं, एंड होपफुली आज हमारा ये काम जो है, मिशन जो है ये हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे मुलाकात करते हैं।
अभी का सीन ये है कि अभी जिधर हम जिस शॉप पर हम आए थे, ठीक है, स्प्लिटर का पता करने के लिए, वो शॉप पे स्प्लिटर हमें नहीं मिला और ये हमारे साथ आज का बड़ा बैड सीन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमें अब जाना पड़ेगा नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट हमारी रावलपिंडी बेस्ड जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको तमाम तरह से सीरीज और जितनी भी आपको मतलब मॉडिफिकेशन, कार मॉडिफिकेशन के हवाले से जो कुछ चाहिए होगा वो आपको वहाँ से मिल जाता है बड़ा इजीली। तो अभी हमारे नसीब में एक ख्वारी लिखी गई है, तो फिर ये है कि अभी हम ये बम्पर जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये हम रखते हैं जाके वर्कशॉप पे और फिर वहाँ से हम जो है ना आ जाते हैं नेशनल मार्केट, वहाँ से अपना सारा सामान लेते हैं और फिर होपफुली आज जो है हमारा ये मिशन जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा। भाई ये क्या सीन है, मुझे तो लग रहा है यार जो वर्कशॉप है वो आज बंद है और हमारे साथ आज यहाँ पे ख्वारी सीन हो जाएगा। देखते हैं, हमारे साथ हो गया बैड सीन, तो ये जो वर्कशॉप है ये है आज बंद क्योंकि ईद की हॉलीडेज हैं और वर्कशॉप जो है वो आज बंद है। तो मुझे लगता है कि अब हमें जो है अपना काम जो है वो सारा या तो पेंडिंग करना पड़ेगा या फिर हमें कहीं और से करवाना पड़ेगा। देखते हैं, ये भाई हमें मिले हैं तो इन्होंने जो है बम्पर भी फिट करना है गाड़ी को, तो हमने कहा यार नेशनल मार्केट से मैंने कहा मैं ले आता हूँ जाके, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे भी एक शॉप है तो वहाँ से जो है ना अच्छा मिल जाएगा बम्पर, वो जो शीटें हैं सॉरी, तो वो शीटें फिर यहाँ से पता कर लेते हैं, अगर यहाँ से मुनासिब मिल जाती हैं तो फिर यहाँ से ले लेंगे। ये बॉय ने शीट निकलवाई है लेकिन ये जो है ना ये थोड़ी सी मतलब चाइना में आती है, ठीक है, जो हम मुझे चाहिए वो चाहिए होंडा की। सीन ये है कि शीटें जो हैं वो यहाँ से नहीं मिली, अब चलते हैं नेशनल मार्केट, वहीं से जाके जो है वो पता करते हैं। अगर इफ़ एनीबडी वंडरिंग कि कौन सी मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब किस जगह पे है, तो यार ये I-10/3 के अंदर मार्केट, ऑटो मार्केट, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, एज यू कैन सी मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो गाड़ियों की शॉप्स हैं और आप यानी इंजन से लेके सस्पेंशन तक यानी जो है वो यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है, और मतलब बहुत बहुत जो है ना वो बहुत अच्छा मैकेनिक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़े इजीली। ये हमारे इस्लामाबाद मतलब I-10 में जो है ये मार्केट लोकेटेड है और काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह काफ़ी सारी आपको कुछ मिल जाती हैं, कुछ आपको जो है वो मतलब पिंडी वाली साइड से जो है वो जाकर लानी पड़ती। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी मैं भी जो है वो नेशनल मार्केट वाली साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि जो मतलब बॉय ने हमें शीट्स दिखाई हैं, ठीक है, वो शीट्स बहुत अच्छी थी लेकिन उनका सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि यार वो चाइना की शीट्स थी। इसका ये मीटर थोड़ा सा इस टाइप का कि 40 दिखा रहा, बहरहाल चल ये जीरो पे रही है, यू नो, ये हमने एक लेटेस्ट वर्जन मीटर लगवाया हुआ है, ये जीरो की स्पीड को 40 की स्पीड दिखाता है, जिस टाइम आप स्ट्रीक बनाते हैं ना 220 की तो ये गाड़ी जा रही होती है 100 पे, तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये देखें क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, बड़ा गंदा यार स्पीड ब्रेकर था। बड़े ही खूबसूरत रोड बने हुए हैं पिंडी के ना, लेकिन ये है कि यार फिर भी पिंडी पिंडी है बॉयस, तो टेंशन नहीं लेनी, डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन जो है ना यार ये गर्ल्स, ये हमारी जुमेरा बीच है, ठीक है, पिंडी की, इधर यहाँ पे आप बैठ के फुल टाइम सेके ले सकते हैं, ठीक है ना, और सन बाथ ले सकते हैं। तो यार बॉयज़ ये है कि यार हम नेशनल मार्केट तो पहुंच गए हैं, यार अभी चलते हैं कोई बंदा ढूंढते हैं कि जो इसकी शील्डें वगैरह हमें लगा दे यहाँ पे अंदर, यार कुछ शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, अंदर जाकर चेक करते हैं। सर जी ये बम्पर फिट करना है, बम्पर ये फिट करना है, बम्पर कर दे सर। अभी ये एक शॉप है, बताइए किसी ने बैठने की, यहाँ पता करते हैं अगर शील्डें मिल जाएँ, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अस्सलाम वालेकुम यार, फेंडर शीट होगी आपके पास सिविक ES की 2002 मॉडल की? नहीं, कहाँ से मिल जाएगी? फुहारी सीन चल रहा है, कहीं से भी शील्डें नहीं मिल रही इसकी, वो यही कह रहे हैं कि यार आपको जो है ना वो खूह पे जाना पड़ेगा, मैंने पूरी मार्केट में यहाँ पे पता कर ली यार बंदे, तो सीन यही है भाई कि चलते हैं खूह पे, वहीं से जाके चेक करते हैं, अगर मिल जाती हैं शीटें तो फिर यहाँ से आके जो है फिट करवा लेंगे प्रॉब्लम। मैंने जो है ना यहाँ शॉप से पानी की बोतल पकड़ ली है क्योंकि यार भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और गर्मी के इस मौसम में ना हाइड्रेटेड रहना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हम आ गए हैं सुल्तान के खूह पे, अभी देखते हैं यार होपफुली इधर इस शॉप से पता करते हैं यार इनसे शायद हो सकते मिल जाएं शीटें। अस्सलाम वालेकुम, ये है कि शील्डें हमें मिल रही थी डेढ़ उसके ऊपर, लेकिन मसला वही है कि वो जेन्युइन नहीं है और हमें चाहिए है जेन्युइन, तो
अभी पता करते हैं जा यार। फाइनली भाई यही वाली ले ली है, चाइना वाली, क्योंकि जेन्युइन जो है वो मिल नहीं रही थी हमें, तो फिर इससे ज़्यादा ख्वारी जो है वो मुझसे काटी नहीं जा रही थी। तो अब चलते हैं यार, स्प्लिटर पता करते हैं कहीं से और फिर वर्कशॉप जाते हैं शील्ड ले। करने लगे गाड़ी के ऊपर, ठीक है, तो बस जैसे काम कंप्लीट होता है तो निकलते हैं यार। धूप बहुत सख्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको गाड़ी का रिव्यू दूं तो यार ये 2002 मॉडल होंडा सिविक है, ठीक है, और बड़ी फिट ये जिसे कहते हैं ना गाड़ी को, हमने स्टांस किया हुआ है। और इस गाड़ी में जो इंजन है वो है 2017 VTEC, ठीक है, फुली और फुली स्टॉक। बाकी यार गाड़ी में छोटी मोटी मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं, ठीक है, जैसे कि रिम टायर इसको लगा हुआ है, ठीक है, और साथ ये नीचे स्पीटर वगैरह इसको लगा हुआ है। बाकी रोशू इसका ब्लैक हुआ हुआ है और फ्रंट इसको फेरियो का बम्पर लगा हुआ था, फेरियो की लाइट्स लगी हैं। अच्छा, टाइम पे आ जाएं तो यार इस वक्त 3:07 हो रहे हैं, ठीक है, और हम लोग सुबह घर से निकले थे तकरीबन कोई 11 बजे, ठीक है, और अभी इस वक्त 3 बज गए हैं और अभी तक हम ख्वार हो रहे हैं। वर्कशॉप मेरे बॉय हमारे लिए चाय लेके आया यार, तो बस अभी चाय पीते हैं। काफ़ी ख्वारी के बाद गाइस बम्पर हमारा फिट हो गया है, ये आप देख लें यार, ये न्यू लुक है इसकी, ठीक है ना। वो पहले वाला जो था वो फेरियो का बम्पर लगा हुआ था, इसको अभी जो है इसका अपना कैट आई का जो जेन्युइन बम्पर आता वो लगा। अभी का सीन ये है कि किट लगवानी है बम्पर पे, क्योंकि बम्पर जो पिछला हम लोगों ने मतलब लगवाया हुआ था, ठीक है, बम्पर वो स्पोर्ट बम्पर था, ठीक है, उसके नीचे जो है उसकी अपनी फाइबर की जो किट बनाई थी वो उस बंदे ने वो बनी हुई थी। तो उसके बाद अब ये जो स्टॉक बम्पर हमने लगाया है, स्टॉक बम्पर के नीचे कोई किट नहीं है, जिसकी वजह से यार ये बड़ा मतलब ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है, गाड़ी बहुत उठी उठी सी लग रही है। तो अब सीन ये है कि यार एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो दोस्त आता है मेरा, तो फिर उसके साथ चलते हैं यार, ठीक है, एक जगह पर, वहाँ से हम इसको लगवाएंगे किट, जहाँ से मैं पेंट करवाता हूँ वो जगह है बंद। तो अब बाहर से यार या तो मतलब कि हमें एमरजेंसी बेसिस के ऊपर पेंट करवाना पड़ेगा, और वो फिर पेंट की यार क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं पेंट के ऊपर भी फिलहाल रिस्क नहीं लूँगा, किट में फिलहाल जो है ना लगा कर और उसको जो है वो ब्लैक कर दूंगा स्प्रे से, या फिर ऐसे ही छोड़ दूंगा, वो मैं देखता हूँ यार अभी कि मैंने क्या सीन करना है। यार अभी आए हैं किट के लिए, तो होपफुली मिल जाए यार किट, क्योंकि बगैर किट के ही गुजारना यार मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आए हैं यार, ये शॉप है, इसे पता करते हैं। क्यों यार मिलेगी कोई? ये बॉय जो है देखने जा रहा है यार किट, कहता है यार चेक करता हूँ, अगर कोई मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर रोला ही रोला है। अभी फिलहाल तक के लिए तो यार किट मिलती नज़र मुझे नहीं आ रही, लेकिन देख लेते हैं यार, वो यही कह रहे हैं यार बना कर देंगे, तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है अभी। आज ही लगानी है ना यार, ईद इस तरह नहीं गुजारनी ना, बगैर किट के ईद का मज़ा नहीं आता। फिर बात ये शाम तक 2000 years later। वाइज यार सीन ये है कि अभी हम आ गए यार वापस उसी शॉप पे जहाँ पे हम लोगों ने किट का ऑर्डर दिया था, तो अभी जो है वो किट यार वो पीछे तैयार कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो इसके बाद जो है वो किट लगेगी गाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने कहा था यार तकरीबन 2 घंटे बाद जो है ना आपको किट तैयार मिलेगी, तो अभी हम आए हैं तकरीबन 7:30 हो रहे हैं इस वक्त और किट बस रेडी है, ठीक है, थोड़ा सा जो है उसका वो प्रेप वगैरह कराते ही है, तो बस ये है कि फिटिंग करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं यार किट के फाइनल लुक कैसी लग रही है। ये किट लगी है अभी बम्पर पे, हमने भी फिलहाल ब्लैक पेंट किया है, ये फाइनल लुक है गाड़ी की, और अभी तो ये थोड़ी सी मतलब सूखेगी तो फिर ये अपनी लुक में आ जाएगी। अभी हम निकल आए हैं यार वर्कशॉप से, अब हमारा जो है वो आज का सफ़र जो है वो यार अख्ताम पजीर हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी यार बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की हुई थी, और देख लें यार अभी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। सुबह 11 बजे का मैं निकला हुआ था यार, अगर टाइम पर आएँ तो टाइम तकरीबन 7:30 बज रहे हैं यार इस वक्त, और अभी मैं जाके वर्कशॉप से फ्री हूँ, के बीच में मैं घर भी चला गया था, एग्जॉस्टेड हुआ था यार बहुत सख्त किस्म का, तो अभी जो है वो आकर यार 7:30 का उन्होंने टाइम दिया था, किट लगवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह यार किट अच्छी लगी है, झूठ बोल रहा है, बस इतनी फिनिशिंग नहीं आई यार, क्योंकि आपको पता है ABS प्लास्टिक तो नहीं है, फाइबर में आपको पता है इतनी यार आती है फिनिशिंग। तो बस अभी यार निकलते हैं यार घर की तरफ, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह आपके पास आएगा, और बाकी यार आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, इससे मुझे यार ये पता चल जाएगा कि यार आप लोग मेरी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, रेस्ट किया थोड़ा सा, अभी वापस आए हूँ, तो वाइज ये फिर एक हमारा जनाजा है प्रोजेक्ट,
ये यहाँ खड़ा है ठीक है, और ये बॉय बैठा हुआ फुल नींद में है इस वक्त। तो मौसम आज जो है वो भाई आपका कैमरा इस तरफ है।